मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि खोट्या टीआरपी रॅकेटचा त्यांनी पर्दाफाश केलेला आहे। आतापर्यंत दोन मराठी चॅनलच्या मालकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय, अटक केली अशी माहिती परमबीर सिंग यांनी दिली। आणि काही चॅनल्स मुद्दाम सुरू ठेवण्यात आले टीआरपी वाढवण्यासाठी आणि त्याचा नफेखोरीसाठी वापर करण्यात आला असा आरोप त्यांनी केला, ज्याच्यामध्ये त्यांनी रिपब्लिक चॅनलचं नाव देखील घेतलेलं आहे, जे खूप मोठं नाव आहे, नॅशनल चॅनल आहे, न्यूज चॅनल आहे। आणि आता रिपब्लिक चॅनलच्या बँक अकाउंटशी देखील चौकशी केली जाणार आहे। रिपब्लिक चॅनलचे डायरेक्टर असतील, प्रमोटर्स असतील, त्यांची चौकशी केली जाईल आणि त्यात जर ते दोषी आढळले खोट्या टीआरपी साठी तर त्यांना देखील ताब्यात घेतलं जाईल असा इशारा मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांनी दिलाय। एक नया रॅकेट जो की मुंबई पुलिस के हमारी क्राइम ब्रांच के हाथ लगा है, अनर्थ किया गया है। ये रैकेट है फॉल्स टीआरपी का। आप सभी जानते हैं टीआरपी का अर्थ टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स होता है। गुने के इन्वेस्टिगेशन में जो अब सामने आ रहे हैं, रिपब्लिक टीवी के वहाँ काम करने वाले लोग या उस कंपनी के डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं। आगे का इन्वेस्टिगेशन उसके हिसाब से रिपब्लिक टेलीविजन के डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स या बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। और जितने अभी तक हमने इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें मैंने आपको बताया कि तीन टेलीविजन चैनल्स के नाम सामने आए हैं। सबसे बड़ा नाम है रिपब्लिक टेलीविजन का। इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं टेलीविजन चैनल के, उनको एग्जामिन किया जाएगा। जो वहाँ फंड्स रिसीव हुए हैं एडवर्टाइजर से, उनको एग्जामिन किया जाएगा। और अगर ये प्रोसीड ऑफ क्राइम से आए हुए फंड्स हैं तो उनको जब्त करने की या अकाउंट्स को सीज करने की, फ्रीज करने की कार्रवाई भी इसमें आगे की जा सकती है। जो हमारे आरोपी तीन चैनल हैं, उन चैनल्स का कोई भी व्यक्ति जो इन्वॉल्व होगा, कितना ही ऊंचा हो, चाहे वो प्रमोटर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे मैनेजिंग डायरेक्टर हो, चाहे एम्प्लॉई हो, चैनल में ऊंची पद पर हो, नीचे पद पर हो, जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अवश्य पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और अगर इन्वॉल्व है तो उससे आगे की कार्रवाई भी इसमें की जा सकती है।